Hey, what's up? This is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is exercise 5.1, question number 1, page number 99 from NCERT. This is part number 3. This says, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression in Y? This situation may have AP series 1 rahi hai or Q. The first situation is, cost of digging a well after meter of digging when it costs Rs 150 for the first meter. तो एक वेल डिग कर रहे हैं, एक वेल को खोद रहे हैं, फर्स्ट मीटर तक का, पूरे एक के मीटर तक का चार्ज आता है रुपीज 150 एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर और फिर उसके बाद हर मीटर पे 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे एक मीटर का 150 रुपए है, अगर उसके बाद और एक मीटर खोदेंगे तो 50 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब वो 200 हो गया। सो नंबर 3, फॉर फर्स्ट मीटर ये है रुपीज 150, फॉर सेकेंड मीटर ये है रुपीज 200, फॉर थर्ड मीटर दिस इज रुपीज 250। ऐसे ही पड़ेगा ना, बिकॉज 150 फर्स्ट मीटर पे था, फिर उसने कहा 50 रुपीज और बढ़ जाते हैं सेकंड मीटर पे, फिर 50 और बढ़ जाते हैं। तो दिस इज हाउ, एक तरह से पहले 150 है, देन 200 है, देन 250 है, एंड डैश डैश डैश। तो यू सी हर एक में डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस है मतलब हम कहते हैं इट इज एन एपी एज द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू टर्म्स इज सेम। Part number 4. This says the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Amount. हम बचपन में आपको formula करते थे, amount is equal to P 1 plus R by 100. Class 7th grade हमने formula किया होगा, amount is equal to P 1 plus R by 100. Compound interest के लिए जब निकालना होता था तो हम इस formula से use करते थे. तो compounded at 8% per annum. Rate of interest 8% है हर साल पे, कितना कितना अमाउंट बनता जाएगा। डिपॉजिट किए थे 10,000, मतलब प्रिंसिपल है 10,000, तो ये बनेगा प्रिंसिपल 10,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 800 पहले बन गया थे। फिर सेम वे सेकंड ईयर जब आया तो ये 2 साल का हो गया, कितना हो जाएगा 2 साल, सेम वे 3 साल में। तो जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो इन सबका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं बन सकता, बिकॉज ये वैल्यू मैंने एक बार, फिर ये 2 बार, फिर वही वैल्यू 3 बार, तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं बनेगा आपका जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखोगे। दिस इज द रीजन, हेंस इट इज नॉट एन एपी एज द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू टर्म्स is not same. Difference same nahi hai, so ye AP nahi hai. So this was third and fourth part of question number first from exercise 5.1 from NCERT. Agar aapko koi question samajh nahi aa raha hai, please do write to us. To space niche given us mein likhiye and do watch the next video for some more questions. Goodbye.